हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज इस नए वीडियो की शुरुआत सुबह के 9 बजे के साथ हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं पहुंच की हूँ देहरादून शादी में। तो आज होने वाली है हल्दी सेरेमनी। अभी हम ना नीचे किसी के घर में आए हुए थे सोने के लिए, और यहाँ पर देखिए मेरे को गोप्रो मिल गया है वीडियो बनाने के लिए। बट अभी ये थोड़ा स्विच ऑफ हो गया, मैं चार्ज लगाना भूल गई थी इसको। मेरा नहीं है, ये किसी का है, तो उन भैया ने दे रखा है मेरे को अभी। तो अभी मैं ऊपर चली थी, जो शादी हो रही है, देखते हैं सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं। और हल्दी हाथ के लिए बाद में हो तैयार होके जाएंगे यहाँ से। दोस्तों ये रहा शादी वाला घर जहाँ पे कि हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है शादी वाला घर। तो अभी यहाँ से अंदर चलते हैं, देखते हैं सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं। आजकल देखिए बच्चों को तो केवल फ़ोन चाहिए होते हैं। और हम ना इधर से चलेंगे अंदर के लिए। और यहाँ पे सारे मेहमान इधर बैठ रखे। हेलो, उठ गए आप? गुड मॉर्निंग हैं? नहीं नहीं आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। हैं, किचन से थोड़ा सा खुशबू आ रही है, तो चल के देखते हैं कि क्या बना हुआ है। अभी यहाँ से चलेंगे हम लोग अंदर के लिए। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने तो सोचा कुछ बन रहा है, बट अभी कुछ नहीं बन रहा। बन गया क्या? बना? अच्छा, तभी उसी की खुशबू आ रही थी। ठीक है, आप कब होंगे तैयार हल्दी के लिए? ओके। तो कल यहाँ पे मैडम जी कह रही थी कि सुबह 8 बजे से हल्दी शुरू हो जाएगी। 9 बज गए अभी कोई तैयारी नहीं है। ऐसे ही होता है वैसे हमेशा। तो यहाँ पे दोनों देवरानी जेठानी एक साथ लग चुके हैं रोटी बनाने पर। गुड, पहली बार तो तुम काम कर रहे हो। और यहाँ पे रोटी बनने लग गई है, ये देखिए एकदम फुलकी फुलकी। और इधर मम्मी चाय बना रही है। तो अभी हम भी चलते हैं नाश्ता करने के लिए, हमारे लिए तो भारी बना हुआ है। और इधर देखे दोस्तों, बने हुए है गर्मा गर्म छोले भटूरे। खाया? ठीक है ठीक है, खाओ खाओ। यहाँ पे तो पहले पेट पूजा होने लग गई भाई, पहले तो हल्दी होनी थी। हैं? सबसे पहले दुल्हन शुरुआत करती है। हाँ ठीक है ठीक है। दोस्तों इसी के साथ दिन के 11:30 हो गए हैं और हल्दी का फंक्शन भी स्टार्ट हो गया है। हम लोग भी हो गए हैं रेडी, और मैंने साड़ी पहन ली है। नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करोगे कि आप साड़ी नहीं पहनते। और ये देखिए मेरी मेहंदी। अभी ऊपर चलते हैं, आपको भी हल्दी का फंक्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रहे हमारे मामा जी। कैसा लग रहा है आपको शादी में? बढ़िया लग रहा है। मजा आई? मजा आई, तेरे को मजा आ रही शादी में? ये है इनका बेटा। कैसे? मजा आई। और ये मेरी बुबू, फुबू, बो बुबू नुमी। हाय, ये है मेरे फुबू। ये मामा जी है। हाँ। और इनकी जो छोटी बहन है ना, वो दूसरी बुबू, ये उनके हस्बैंड। राम राम, सब पब्लिक को हमारी तरफ से। तो चलिए दोस्तों हम ऊपर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना हमारी जानू बुली भी तैयार हो गई है। बुली नहीं, पुपु पुपु। और सबसे ज्यादा टाइम लगा इसने तैयार होने में। और सबसे पहले मैं लास्ट में गई और सबसे पहले तैयार होके आ गई, क्योंकि मैंने ज्यादा मेकअप नहीं किया। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने सबको तैयार किया, उसके बाद मैं खुद तैयार। एक बार मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। साड़ी भी लगाई मैंने। एक बार मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ, बताना कैसी लग रही हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और सारे लोग हो गए हैं तैयार। और यहाँ पे रही दुल्हन की बुआजी, जिनको कि हम बुट्टी बोलते हैं। और बुट्टी की नथ देखिए, ये ना कितने साल पुरानी है? 28। तो ये 28 साल पुरानी नथ है। उस टाइम से ना हाथ से बनाई जाती थी नथ, है ना, मशीन का उपयोग नहीं किया जाता था। ये देखिए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रही है? मजा आ रही है। ठीक है, एंजॉय कीजिए। और अंदर ना थोड़ा सा पूजा वगैरह चल रही है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और इधर और भी बुड्ढी जी लोग आ रखे हैं, तो वो भी बैठ रखे हैं। अभी सारे लोग अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग तैयार हो गए हैं, और दुल्हन किधर होगी? इधर से अंदर चलते हैं हम। और सॉरी, रोना तो नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा दादी, दादी बताइए आपको, आपको तो नहीं आ रहा रोना? रोना है, ठीक है, रोना है। और वीडियो वायरल होनी चाहिए, ठीक है? आपकी नाथ बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ पे रही हमारी चाची जी, दुल्हन की भाभी, वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं।
तो दोस्तों अंदर अभी ना गणेश पूजा चल रही है और थोड़ा सा मांगल वगैरह लगाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में बाहर पे आएगी दुल्हन और वहाँ पे भी स्टेज हो गया है तैयार, वो भी दिखाती हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे की गई है हल्दी के लिए डेकोरेशन जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। हेलो, अच्छा ना, नमस्ते। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी चाबी। दीदी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। ब्लॉगर हमारे घर में बहुत सुंदर लग रहा है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा छुटकू शैतान नंबर वन। और यहाँ पे नानी जी भी हो गई है तैयार। हो गई नानी? दोस्तों यहाँ पे दुल्हन आ गई है और अभी यहाँ पे बाने की रस्म प्रारंभ की जाएगी। घर में छ देवी थाना दिया जल दिए, घर में छ देवी थाना दिया जल दिए, प्यारी तू मेरे नाम को पाठ पढ़ दी, प्यारी तू मेरे नाम को पाठ पढ़ दी, कसीरे बड़रा प्यारी मैं या फिर लड़ूला, कश्मीरे बड़रा Thank you.
के साथ बांधों की रस्म संपन्न होगी है। तो जो हमारे घर की नई बहू आई हुई है अंजलि चाची, बस चाची बोल रहे भाभी बोलते हैं, उनकी मम्मी है ये। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है बाबा, बड़ा बड़ा।
तो दोस्तों अभी ना पानों की रस्म हो गई है संपन्न और अभी दुल्हन चली गई है ना स्नान करने के लिए और थोड़ी देर बाद आएगी। अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आफत आ गई है इन कपड़ों में मेरे को, और सूट पहनते हैं और फिर भी व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हाय बेटा, हाय, कुछ बोलो। और क्या बोलना है? कुछ तो बोल दो, एक शायरी सुना दीजिए। क्या शायरी? कुछ भी बोलो। नहीं यार बूढ़ा बोलो, मेरे को दारू पिला, मेरे ससुराल आ रहा था पिलाऊंगी दारू, ठीक है? हाँ ठीक है। और यहाँ पे कैसी लग रही है? नाम क्या है? सिमरन। हाँ ये है दुल्हन की मौसी की बेटी। हाँ है ना, याद आएगी मानी की बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि बहन है वो मेरी। तो क्या हुआ, तो बहन है, तो बहन कौन कौन है? आप तो मजे मजे है। नहीं नहीं बहुत बुरा लगता है भाई जब अपना कोई छोड़ के जाता है। ऐसे कहाँ जा रही है? यहाँ बगल में, यहाँ बगल में तो रहेगी। आएगी मतलब, तो फिर हो जाता है ना, फिर वो सामने नहीं रहेगी हमारे। वो तो है, सही बात है। ठीक है, खाना पीना खाकर ऊपर से आ गए हैं नीचे। पूरा हल्दी का फंक्शन निपट गया है और अभी हम लोग सी बेबी मिली है। हाँ। बहुत क्यूट क्यूट है, जिनके घर पे हम रह रहे हैं। हाँ। इनकी हाँ दादी हमारी बहुत खातिरदारी कर रही है। बोलो हाय कर दो। हेलो गाइस, कैसे हो आप? हमारी दीदी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। बोलो बोलो दोस्तों, मैं आप बच्चा में आंटी बोलते हैं। हम यहाँ बन के आंटी हो गए। और ना हाँ, मुझे एक बात कहनी थी, तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को समाप्त कर देती हूँ क्योंकि अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा वेडिंग का। तो बाय मेगा, बाय बाय दोस्तों, बाय, कल मिलते हैं। बाय मेगा।